जेल भेजो, कहीं भी भेजो, हम करेंगे। क्या कहना? मैं पूछ सकता हूँ समा से कि समा तो एक बार महंगाई के खिलाफ सड़क पे करें, लेकिन अगर देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सर्वोच्च पार्लियामेंट में महंगाई पे डिस्कशन हो रहा है, तो समा जवाब दे दे कि इनके अधीर रंजन चौधरी सहित एमपी के राहुल गांधी तो उस डिबेट में आए नहीं, तो क्या महंगाई की बात कर रहे हैं? मैं कैसे अच्छा, अरे ट्वीट कर रहे हैं, अरे अच्छा हाँ वॉकआउट, तो ये तो वॉकआउट तो अजय क्यों क्यों जवाब नहीं सुनना चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि आप जो सवाल उठाएंगे, जिन सवालों को आप, तो उसका जवाब ही तो सरकार से लेते हैं। यही चर्चा है, यही डिबेट है। अच्छा अब आप पहले मुझे जवाब दे रही है। ईडी बिल्कुल बिल्कुल, ईडी एक निष्पक्ष एजेंसी है और ईडी जिसके खिलाफ भी होते हैं उसमें मामले में कार्रवाई करती है। सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं है, न सरकार कोई डायरेक्टिव देती है। आखिर ये क्या कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसको फेस करने के बजाय उसके ट्रायल पे उसके को दे नहीं बीजेपी नेताओं के खिलाफ नहीं, क्यों नहीं? आखिर आप देखिए, आखिर किसके मतलब तो हम भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में है ही नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ी आप कहते कर रहे नहीं नहीं समझे ऐसे नहीं जो है। अच्छा ये कोर्ट क्यों नहीं चली जाए? अच्छा इनके पास कोर्ट नहीं नहीं पाक साहब, ये तो आरोप कांग्रेस का है, ये तो कांग्रेस कह रहा हूँ, इसको विषय न बदलिए। इस समय जब पार्लियामेंट चल रहे, इस समय देखो इस हाँ समय मैं कह रहा हूँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कोर्ट चली जाती? आप कोर्ट चली जाइए अगर आपको, और मुझे समय ये समय बता दें, क्षमा बता दें। नहीं 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 अच्छा नहीं नहीं आखिर ईडी की कार्रवाई उसके खिलाफ चलेगी जिसके खिलाफ एविडेंसेज होंगे, जिसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आप कर देंगे, ये एजेंसी है, सुनिए ये एजेंसी है। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, आप अगर उनके खिलाफ कोई बात है, मैं समा को नहीं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ कि अगर उनके खिलाफ कोई चीज है, ये तो एक एजेंसी है, आपके पास तो कोर्ट जाने के लिए एक रास्ता है ना कि साहब हमारे खिलाफ मौसमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो क्यों नहीं ईडी बिल्कुल ईडी काम कर रही है, ईडी को जो काम है ईडी अपना काम करे, ईडी को काम नहीं करने दे रही कांग्रेस पार्टी। आखिर ईडी को ही तो लेकर के इस बार पूरी पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हैं, आप इस बात को नहीं सोच रही है क्या? इस बार दो वीक जो पार्लियामेंट नहीं चला कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। जब रोज संसदीय कार्य मंत्री कहते थे श्री प्रहलाद जोशी जी कि हम महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब आप टाइम तय कर दीजिए, तो इन्होंने क्योंकि उस समय नोटिस आ गई थी, राहुल को समन कर दिया था ईडी ने, इसलिए नहीं चलने दिया। बात सोनिया को पूछना चाहता हूं कि ये समन कर दें तो देश की पार्लियामेंट को आप होल्ड कर लेंगे, देश की पार्लियामेंट में आप इतना गतिरोध पैदा कर देंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, ब्लैकमेल कर रहे हैं आप देश की पार्लियामेंट को? कैसे ब्लैक? उन्होंने कहा परिवार पे कार्रवाई होती है, आप संसद नहीं नहीं हमने क्या क्या उन्होंने कहा जब महंगाई का जो उन्होंने जवाब दे रही थी हम वॉकआउट किया। मैं पूछना चाहती हूँ सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी कभी वॉकआउट नहीं किया उनकी जिंदगी में? यूपीए सरकार कितने वॉकआउट? तो सेशंस तो इन्होंने बोला कि कोल स्कैम है, 2G है, सब कुछ, कौन कन्विक्ट हो गया है? 2G तो हाँ, तो वहाँ तो आप भी वही वहाँ जो भाजपा नहीं नहीं हम लोग नहीं नहीं साल तक कार्यकाल सरकार में है और वो मैं नहीं नहीं मैं कामकाज गिनाती है, आप भी बीता नहीं 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 जब गिनाती है अपनी नहीं जिम्मेदाराना नहीं। निर्मला जी ने उस दिन जब जवाब दे रही थी उन्होंने कहा कि महंगाई अपने एक्शन को महंगाई तो नहीं है, हम कैसे सुनेंगे जब हमारे जो वित्त मंत्री बोल रहे कि महंगाई नहीं है इस देश में, तो वो गलत है। जब झूठ वो बोल रही है तो हमको कुछ तो वॉकआउट ही करेंगे। दूसरी बात है लोकसभा ये जो सांसद की रिप्लाई है कि 2014 से 2022 तक 27% ज्यादा रेड ईडी का फ्रॉम 2004 से 2014 तक बता सत्तर बढ़ गई है। ओके बढ़ गई है वो संसद के रिप्लाई हमारा नहीं है तो उसके ऊपर मींस 5000 से ऊपर है रेट्स लेकिन कन्विक्शन है 23 तो वो मैंने एक मिनट तो ये बेसिकली हैरेसमेंट है। जब आपके कन्विक्शन इतने कम है आपको
आपसे आपसे आगे चर्चा करेंगे। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि चर्चा करेंगे, पर ये जानना जरूरी है कि अभी राहुल गांधी के घर पर क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार वहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभी क्या माहौल है वहाँ पे, क्या राहुल गांधी निकल चुके हैं पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक चल रही है कांग्रेस की पार्लियामेंट में। जी मौसमी, इस वक्त मैं सुबह से ही लगातार राहुल गांधी के घर के बाहर खड़ा हूं और ये तस्वीरें देख लीजिए, बैरिकेड्स। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। रात को जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से वापस आए थे तब अमित भारद्वाज ने सवाल भी पूछा राहुल गांधी से, हालांकि मीडिया से कोई जवाब दिए बगैर राहुल गांधी अपने घर चले गए थे। पर तक में उन्होंने जबरदस्त पर हमला, तिरंगे को लेकर जो लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, और अभी कांग्रेस की बैठक चल रही है संसद के भीतर। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, श्रेया हमारे साथ हैं और अमित भारद्वाज भी राहुल गांधी के घर के बाहर से जुड़ेंगे। श्रेया, अभी क्या माहौल है और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मौसमी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर हम खड़े हैं। अभी तो ऐसा कुछ माहौल बना नहीं है, लेकिन हमने देखा कि पिछले दो दिन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नेशनल हेराल्ड वाले केस में, एक पहले दिन उन्होंने 12 जो लोकेशंस है उनमें रेड मारी। उस रेड में से कुछ हवाला लिंक्स की एंट्रीज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये हवाला एंट्रीज कलकत्ता और बॉम्बे की कुछ शेल कंपनीज की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके अलावा कल हमने देखा कि कैसे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो ऑफिस है हेराल्ड हाउस की 4th फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया। ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले ये पता चला कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर मल्लिकार्जुन खड़गे वो रेड के दिन वहां पे मौजूद नहीं थे, रेड नहीं हो पाया, इसलिए टेम्पररीली ऑफिस को सील कर दिया गया। और ये एक्शन हम देख रहे हैं इसके बाद हो रहा है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से लंबी पूछताछ हुई है। उसके बाद हमने देखा 12 जगहों पे जो कि प्रॉपर्टीज है जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल से एक्वायर किया, उन पे रेड हुआ, क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पे रेड नहीं हो पाया, इसलिए उस प्रॉपर्टी को अभी सील कर दिया गया। आगे भी हो सकता है कई ऐसे एक्शन ईडी की तरफ से जारी रहे, लेकिन फिलहाल जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है वो हवाला एंट्रीज है जिसकी तरफ ईडी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है।